वेलकम बैक माय व्यूअर्स, आई लव माय कबूतर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसे आज बारिश हो रही है और ये इंजॉय कर रहे हैं, बारिश के आनंद ले रहे हैं, और उसके बाद ये तो इंजॉय कर रहे हैं, और ये मेरा बाजीगर, एंड ऊपर जाके देखो वो तीनों नहा रहे हैं। देखो वो बारिश हो रही है, ऊपर जाके टिके हुए हैं, ठीक है। ये भी गई ऊपर, ठीक है, तो इनको आनंद आ रहा है लगता है बारिश में, तो ये बारिश में स्नान कर रहे हैं। इनकी पहली बारिश है ये, क्योंकि वे न्यू कमर्स ही हैं ये, ठीक है जी। ये अपना बाजीगर, बहुत बुरा बारिश हो रही है और ये नहाने के लिए बेचे ना, मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया। इस समय बानर बने हुए हैं ये, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा कलर कर देते हैं ताकि कहीं उड़े तो पता चले। तो हालांकि गंदे हो गए हैं, बाद में ये अपने से नहाएंगे ना, फिटकरी के पानी वगैरह से देंगे तो ये ऑटोमेटिक फिर वो हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल इंजॉय करते हुए बारिश का बहुत ही आनंद ले रहा है। देख रहे हो कितने ही आनंद ले रहा है। बंद था उसमें तो, अपने पिंजरे बंद था तो वहाँ से आने के लिए पागल हुआ था ये। देख रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा। यही चीज़ें होती हैं जो आदमियों को मोहित कर देती हैं, यही कारण है कि मैं इनके बिना रह नहीं सकता हूँ। आई लव माई कबूतर। एक चीज़ और, मेरा जो एक अंडा था वो पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, उसने दिया नहीं, बरसात की वजह से या किसके वजह से पता नहीं। चलिए, ये तो होता रहता है, सब लाइफ का गेम है। बाकी माता की कृपा बनी रहे, सब खुश रहें, और क्या। तो ये ट्रेनिंग का वीडियो ही समझ लो आप है, क्योंकि अभी तो गए हैं, आज उड़ाएंगे हम उनको, जब उड़ाएंगे तो इसमें वीडियो ऐड करेंगे हम, ठीक है जी। तो ये हो सकता है ये पीछे आए, इसके पहले उड़ान वाली वीडियो आ जाए। ओके, जैसे ये देखिए व्यूअर्स, अपने मैं कबूतरों को स्नान करवा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, क्योंकि ना गंदे भी हो गए हैं और एक तो इनकी कलर जो है, कलर भी हो गया है, मतलब लग गया है, बाय डिफॉल्ट बहुत फैल गया है। तो कोई भी एंटीबायोटिक आप साबुन ले लीजिए, और इसमें फिटकरी मैंने ऑलरेडी इस बाल्टी में, थोड़ा सा हाईलाइट करना, इस बाल्टी में मैंने फिटकरी घोल रखा है, ठीक है। अब इनको ऐसे नहवा कर उस फिटकरी वाले पानी में डाल देना है, इधर तरफ। तो ऐसे ही जो है हम नहवाते हैं कबूतरों को, भी गंदे हो जाए बाई फोर्स, उसके बाद तो फिर ये अपने से ही नहा लेंगे। अभी कबूतर जो है साफ हो जाएंगे अच्छे से। और पानी से, तीन चार पानी सब बढ़िया से उनको धो दीजिए, क्या कहीं कास्टिक न रहे। फिर